पैनल देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे तो मजा ले रहे हैं, अब पीछे वाली साइड पर भी पूरा मजा आ रहा है। जो वीडियो आगे चल रही है ना, वही वीडियो आपको पीछे चलेगी। जैसे खाली पावर स्लाइडिंग डोर नहीं है, फुट स्टेप भी इसके साथ आएगा। ये जरा चेक कीजिएगा, मैंने ये बट सिर्फ बटन पुश करना है, ये देखो, वो देखे नीचे, ठीक है। जैसे ही डोर ओपन हुआ है, साथ ही इसकी जो फ्लिप है वो ओपन हो गई है। अब ये बड़ी मजबूत फ्लिप है, ये देखे, मेरा कोई 100 किलो के करीब करीब वजन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखे, बेहतरीन फ्लिप रेट है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इजीली होकर यहाँ पर मैं बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, यकीन जाने लोवेस्ट प्राइस में आपको सुजुकी का एवरी वैगन है। ये रेड वाइन कलर के अंदर कम्प्लीटली आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। 2016 मॉडल है और इसके अंदर इतने को फीचर्स हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ। इसके जो दोनों डोर्स हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड वाले, ये पावर स्लाइडिंग डोर हैं। खाली पावर स्लाइडिंग डोर नहीं है, फुट स्टेप भी इसके साथ है। ये ज़रा चेक कीजिएगा, मैंने ये बट सिर्फ बटन पुश करना है, ये देखें, वो देखें नीचे, ठीक है। जैसे ही डोर ओपन हुआ है, साथ ही इसकी जो फ्लिप है वो ओपन हो गई है। अब ये बड़ी मजबूत फ्लिप है, ये देखें, मेरा कोई 100 किलो के करीब करीब वजन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, बेहतरीन फ्लिप रेट है इसका। और दोनों डोर ऑटो हैं इसके, ऑटो मीन पावर स्लाइडिंग डोर है। ऐसे जब मैंने इसको पुश करना है ना नेक्स्ट, ये देखें, अगर बंद करूँगा, ये देखिएगा, जैसे डोर लॉक होगा फ्लिप भी लॉक हो जाएगी। ये चेक कीजिएगा, डोर लॉक हो रहा है। जैसे ये प्रॉपरली तौर पर बैठ जाएगा ना, ये देखिएगा, ये बैठ गया, फ्लिप भी बैठ गई है, ठीक है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वैगन के अंदर ये फंक्शन है। ये तो मैंने अभी आपको एक छोटा सा फंक्शन दिखाया, अभी इसके अंदर बेशुमार फंक्शन है। दूसरा डोर भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी देखें, ये भी जो है, ये भी पावर स्लाइडिंग डोर है। ये देखें, पुश के साथ ही है, ये देखें, बटन इसके अंदर भी है। टच करेंगे बंद हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली इस वे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार किस्म का प्रोडक्ट है। चलाएं भी आपको मजीद इसके फंक्शंस में जो है वो चेक करवाता हूँ। ये लें जी, ओपन कर लिया मैंने, ये देखे, ओपन करते सार ये आप बटन देख रहे हैं, रडार सिस्टम है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेन असिस्ट है, ठीक है जी। ये सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाते हैं। अगले नंबर पर मैं आपको इसका फंक्शन दिखाऊँ, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें ज़रा स्पेस। हम पहले लेग स्पेस की बात करें तो माशाल्लाह शानदार लेग स्पेस है। और ये मल्टीमीडिया पावर स्टेयरिंग है, ये देखें, साथ यहाँ पर एक ये यहाँ पर फ्लिप है, फ्लिप मिल गई है इसके। ओपन करेंगे इजीली हम रिट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसकी सुजुकी एवरी वैगन का पुश स्टार्ट के अंदर मिल रहा है, ये चेक कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ, चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए, आप इसको सिर्फ स्टॉप पुश करेंगे और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। डिजिटल एनालॉग मीटर आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है जी, ये चेक कर सकते हैं आप। ये ज़रा गौर करें, माशाल्लाह डिजिटल एनालॉग मीटर है। इसके अंदर आपको हर किस्म की गेजेस मिल जाएंगे। और ये 74,346 किलोमीटर जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन चला हुआ है। नेक्स्ट नंबर पर ये स्टेयरिंग की तरफ आप गौर कर सकते हैं। स्टेयरिंग इसका आपको मल्टीमीडिया पावर स्टेयरिंग के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये बटन्स मल्टीमीडिया के दे दिए गए हैं। इसके साथ SRS एयरबैग्स और फ्रंट के ऊपर सुजुकी का लोगो। और ये स्टेयरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें, टिल्ट मूवेबल स्टेयरिंग है इसका, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग इसको हम बोलते हैं अपनी कन्वर्जेशन के अंदर, ठीक है। और ये एक उंगली से भी आप इसको जो है वो टर्न आउट जो है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। बड़े शानदार फीचर्स आपको इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मिल रहे हैं। अगले नंबर पर मैं आपको दिखा दूँ तो थोड़ा सा मैं मूवमेंट पकड़ता हूँ। ये देखें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है, ये देखें, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपको इसका जो है सारा व्यू पॉइंट कैम क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर एसी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप मोड्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और जेन्युइन प्री इंस्टॉल्ड एलईडी पैनल आपको मिलता है। अब ये देखें, आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, एक एलईडी पैनल यहाँ पर है और एक ये है। अब इसकी भी मैं आपको फंक्शन जो है वो आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये आपको एक बड़ा मज़े का फीडबैक मिलता है। ये आप एलईडी एंड्रॉयड पैनल देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे तो मजा ले रहे हैं, अब पीछे वाली साइड पर भी पूरा मजा आ रहा है। जो वीडियो आगे चल रही है ना, वही वीडियो आपको पीछे चलेगी। जैसे आप एलईडी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका एक पूरा एक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी एक पैनल है और एक पैनल आपको मिलता है ड्राइविंग सीट्स के ऊपर, फ्रंट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक आपको बड़ा मजे का फीचर जो है वो मिल जाता है। ये आपको इस गाड़ी के अलावा कहीं पर भी ये प्रोडक्ट नहीं, ये चीज़ नहीं मिलेगी। अगले नंबर पर ऊपर की जानिब देखें तो एक आपको ऊपर स्पेस फ्लिप की मिल जाती है, ठीक है।
और एक स्पीस आपको जो है एन ग्लासेस वगैरह आप रखना चाहे तो यहाँ पर भी आप इजीली रख सकते हैं। और फ्रंट की स्पेस आपने चेक कर लिया, शानदार किस्म की फ्रंट की स्पेस है। 12 वॉट का इसके अंदर सकट दे दिया गया, चार्जिंग आप कर सकते हैं। ग्लव कंसोल स्पेस बॉक्स भी इसकी बेस्ट है। और ये जो लीड्स वगैरह दे दी गई हैं ना इसके अंदर, ये देखें ये लीड्स आप चेक कर सकते हैं। ये लीड्स जो हैं ये इस LCD जो एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है ना ऊपर की जानब, ये देखें एंड्रॉयड पैनल जो लगा हुआ है, ये एंड्रॉयड पैनल की लीड्स हैं। आप अपनी मोबाइल डिवाइस USB पोर्ट वगैरह भी यहाँ पर प्रॉपरली अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, अगले नंबर पर मैं आपको बताऊँ तो बाहर चलते हैं जी। तो व्यूअर ये देखें फुट मैप, इसका जो फुट फ्लिप वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गया है। सो इसकी जो बैक की सीट्स है ना उसकी भी स्पेस अच्छी खासी स्पेस है, कोई नॉर्मल स्पेस जिसको बोलते ना कि नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा स्पेस है। ये देखें मैं फुल टाइम इस टाइम इजी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और पूरा शशके वाला अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा केस है। आप सीट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये मैं इस टाइम फुल कम्फर्टेबल ईजी बैठा हूँ। ये आपकी फ़्लिप भी आपकी निकल आती है, आप ऐसे जनाब ईजी होकर यहाँ पर कहीं नहीं रखें और जहाँ पर मर्जी आप सफ़र करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगले नंबर पर मैं और इसके बड़े से फीचर्स हैं आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। बैक कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा और TV नेविगेशन, बैक कैमरा, ये सारे जो फीचर्स हैं ना इसके अंदर अवेलेबल है। ये देखें जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा ना रिवर्स मोड के ऊपर, सो ये देखें ये इधर कैमरा मैन इधर कीजिएगा, ये देखें ये प्रॉपरली तौर पर आपके साथ आपको बैक कैमरा मिल जाता है 360 व्यू के साथ आपको इस एवरी वैगन के अंदर मिल रहा है। भाई इतने ज़्यादा फंक्शन एक गाड़ी के अंदर होना तकरीबन नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सारे फीचर्स जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। सो अभी हम बाहर से हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, जनरल सी इसकी लुक देखते हैं। तो ये रेड वाइन कलर के अंदर आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। हाई बीम लाइट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। हैलोजन्स बल्ब्स वाली भी हैं, हाई बीम लाइट्स भी हैं, फॉग लैंप्स भी है, और जेन्युइन जो ये प्री इंस्टॉल्ड ये पायदान भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और फ्रंट का जो लोगो दे दिया गया है सुजुकी का, बड़ा शानदार किस्म का सिल्वर क्रोमिंग के अंदर इसका लोगो दे दिया गया। अब बात करते हैं जी इसके टायर्स की। टायर्स आप देख सकते हैं, ये देखें जेन्युइन टायर्स हैं इसके, टिप टायर्स की बिल्कुल बेहतरीन है। और दरमियान के ऊपर ये देखें अलॉय व्हील इसका जेन्युइन आपको इसके अंदर मिल जाएगा सिल्वर कलर में, और ये डिस्क ब्रेक के अंदर है, ठीक है। और ये मिरर चेक करें, मिरर इधर से दिखाइएगा, मिरर के अंदर आपको 360 व्यू जो है कैमरा वो जनाब इजी यहाँ पर मिल जाता है। बड़ा शानदार किस्म का प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी बैक से स्पेस चेक करें ना तो एवरी वैगन ये वेरिएंट है, दो सीटें ये लगी हुई हैं, ये देखें सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना, आप जैसे दोनों सीट्स आपकी फ़ोल्ड हो जाएंगी। ये देखें ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से फोल्ड कर देंगे, ये एक जेन्युइन कंपनी की तरफ से आपको कर्टन मिल जाएंगे। और ये देखें जी अच्छी खासी स्पेस है माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इजीली होकर यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ इसकी स्पेस में, और उसके बाद बावजूद आगे भी दो सीट्स हैं। अगर आप चाहें तो इस स्पेस के अंदर आप सीट्स भी एक्स्ट्रा जो है वो लगवा सकते हैं। सुजुकी का एवरी वैगन ये प्रोडक्ट है, चलाएं अभी बात करते हैं। ये देखें सुजुकी का एवरी वैगन प्रोडक्ट है, चलाएं अभी बात करते हैं कि कौन सा मॉडल है, इसकी क्या डिमांड की जा रही है, और ये हमें फाइनल कितने का मिल जाएगा, चलाएं उसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करते हैं। सो व्यूअर्स सुजुकी एवरी वैगन है और ये है 2016 मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है, रजिस्टर्ड गाड़ी है। और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है 29,50,000 रुपया, और ये टर्बो के अंदर ये प्रोडक्ट है, सादा प्रोडक्ट नहीं है। और रडार सिस्टम भी इसके अंदर अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था रडार का आपको बटन भी मैंने चेक करवाया, ये देखें रडार सिस्टम भी इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाता है। ये रडार सिस्टम जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है, ये बेसिकली ऑटो ब्रेक लगा देता है और आपकी गाड़ी एक बड़ा हादसा होने से हादसे का शिकार होने से बच जाती है। बाकी अल्लाह के सुपुर्द हर मामला, लेकिन अपनी तरफ से ये टेक्नोलॉजी उस वजह से दी गई कि सम टाइम्स अक्सर ड्राइवर जो होता है ना आंख लग जाती है, कोई मामला हो जाए, अचानक कोई चीज़ आ जाए तो पता नहीं लगता, रडार सिस्टम उसको असिस्ट करके उसको आपकी ऑटो ब्रेक लगा देता है। एक झटका था यकदम लगता है और बंदा डर भी जाता है ये ब्रेक किस चीज़ की लगी है, वो ब्रेक लगाता है आपका रडार सिस्टम। ये सारे फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी के इस एवरी शानदार प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। और ये इस टाइम मैं एवरी वैगन आपको लो प्राइस के अंदर एलोकेट कर रहा हूँ। हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये गाड़ी मौजूद है सुभान मोटर्स गुजरांवाला पर, जो कि वाकया है पिंडी बाईपास
अपोजिट मंडियाला मोड़ के मुकाम के ऊपर। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।